हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। आज आप लोगों को छंद बिंदु और बिंदु, इनमें अशुद्धियां जो शब्दों में होती हैं वो आप लोगों को आज सिखाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना बच्चों, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है। और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा अगर आपको समझना है इस चीज़ को, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आँख। देखिए, आँख जो है वो आँख आपका हमेशा चंद बिंदु लगती है आँख में, ठीक है। आँख में हमेशा चंद बिंदु लगती है। आँख हो गया, उंगली हो गया, ठीक है, ऊँगना हो गया, ऊंचा हो गया। कई लोग ऊंचा ऐसे लिखते हैं, ऊँगना ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे चीज, ऊंचा ऐसा होता है, कांपना, गूंगा, गूंज, छांह, ठीक है, झांसी, टांगना, ये वर्ड आप लोग लिख लेंगे। मेरी माने तो आप लोग लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे। तो छां, झांसी, टांगना, ये शब्द आपके। और इधर हो गया आपका दांत, ठीक, पांख, बांझ, बांध, बांह, भूकना, देखिए भूकना होता है, और महंगा, मुंह, सांझ, ठीक है, और हंस। देखिए हंस में ये बना हुआ है, बनता ऐसे है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग ये जो हैं, ये इतने शुद्ध वर्ड हैं, ठीक है, ये सारे शुद्ध वर्ड हैं, आप लोग इनको लिख लीजिएगा, जितने भी वर्ड हैं। ये आपके पूरे एक्यूरेसी है, पूरी सहे वर्ड हैं पूरे। आप ये लोग जितने वीडियो हैं, ये वाले वीडियो पूरे, ये वाला पूरे शब्द और ये पूरे शब्द आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इधर, जैसे लुढ़कना कैसे लिखना है, देखिए देखिए लड़का, रोड, षड्यंत्र कैसे लिखना है, ठीक है, सोडा, बूढ़ा कैसे लिखना है। देखिए अढ़ा में हमने बताया था आप लोगों को कि अढ़ा जो होता है, हमेशा याद रखना आप लोग, स्टार्टिंग में हमेशा ये ऐसे करके आता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी इसमें बिंदु नहीं लगती। इसकी पहले वाली वीडियो आप देख लेंगे जाके, उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई। जो स्टार्टिंग में ये लगता है, ये या ये डा होता है, इसमें कभी भी बिंदु नहीं लगता है, ठीक है। और जब ये बीच में पहुंच जाते हैं तो इनमें यहाँ पर बिंदु लग जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आपका ये हो गया ढेर। देखिए जैसे ढेर में ये देखिए, देखिए ये आपका अशुद्ध वर्ड दिया हुआ है, यह आपका शुद्ध वर्ड दिया हुआ है, यह आपका सीढ़ियाँ दिया हुआ है, यह आपका सीढ़ियाँ दिया हुआ है, यह आपका लुढ़कना दिया हुआ है, यहाँ पर आपका लुढ़कना दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चीज़ ये चीज़ समझिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहीं पर कल्याण। देखिए हमेशा ना आ जाए ना को हमेशा अड़ा, मोस्टली गलतियाँ होती हैं अड़ा में कि हमें ना करना है कि ना करना है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी भी ये देखिए, ये अशुद्ध वर्ड हैं आपके जितने भी हैं, ये अर्चना, चरण, ये यहाँ पर अड़ा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। नेक्स्ट आपका जो आता है फागुन। देखिए फागुन और फार्गुन, रामायण होता है कि रामायण होता है, रानी होता है कि रानी होता है, प्रणाली होता है कि प्रणाली होता है, प्रमाण की प्रमाण, तो प्रमाण न नहीं होता, प्रमाण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना से अड़ा बताया गया है कि ना से, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अड़ा से, ना से अड़ा कैसे बनाएंगे, ना से अड़ा कैसे बनाएंगे, और यहाँ पर आपको बताया गया अड़ा से ना कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेंगे, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आगे लिखते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो इसमें पूछा जाता है, ये प्रॉब्लम करता है, इसमें लड़कों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि सर इसमें बिंदु, जो विसर्ग बिंदु है वो कैसे लिखेंगे, जैसे दुख कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे। आप आज के बाद बिल्कुल सतर्क हो जाइए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दुशील इस तरीके लिखना है, दुशील अगर आ जाए तो दुशील आपको यहाँ पर ऐसे करके दो बिंदु ऐसे लगा देने हैं, फिर इसके बाद आपको सील लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दुख। देखिए दुख लिखते हैं ऐसे, ठीक, लेकिन ये आपका गलत है, ये आपका सही है, ठीक है। दुख के बिंदु में बीच में बिंदु होना चाहिए, ये आपका सही माना जाएगा दुख, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है निःशुल्क। देखिए निःशुल्क नहीं होता है, निःशुल्क होता है, तो इसलिए बिंदु लगाकर इसको सही करेंगे, ठीक है, इसके बाद ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है निस्वार्थ, तो निस्वार्थ में भी बिंदु लगेगा, ठीक है,
आप लोग याद रखेंगे, इसमें आपका बिंदु लगेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रातः काल। तो देखिए प्रातः काल नहीं होता है, प्रातः के बीच में दोनों के हलंत लगता है, तो ये हो जाता है प्रातः काल। नेक्स्ट आता है आपका प्राय। तो प्राय को प्राय नहीं लिखते हैं यहाँ पर, इसका प्रायः लिखते हैं और दो बिंदु लगा देते हैं, ये बिंदु लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है समय समय, मन स्थिति। मनोस्थिति होता है कि मन स्थिति होता है, आप लोग याद रखेंगे। तो मन ठीक है और स्थिति ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है समय समय। देखिए समय समय जब भी आता है तो दोनों में विसर्ग लगती है, ये भी और यहाँ पर भी, दोनों में यहाँ पर बिंदु लगती है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा जितना भी है ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें। नेक्स्ट आपका जो कन्फ्यूजन करता है सबसे ज़्यादा वो यहाँ पर करता है, तो आप लोग ये याद कर लीजिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक इसका। सबसे ज़्यादा विसर्ग का पूछा जाता है, तो विसर्ग आपको बता दी गई है कि विसर्ग आपको कैसे करनी है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट आपका है गूंज वाला, जो चंद बिंदु और बिंदु वाला दिक्कत करता है कि चंद बिंदु और बिंदु कैसे करने हैं। तो ये जितने हैं वो सभी आपके चंद बिंदु वाले हैं, जैसे दांत पांज, देखिए ये सभी अशुद्ध हैं और हम लोग अशुद्ध ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन शुद्ध आपके ये दिए हुए यहाँ पर, ठीक है, आपको शुद्ध कैसे लिखना है, तो शुद्ध आपके ये वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, ये वर्ड दिए हुए हैं और अशुद्ध आपके ये वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। अशुद्ध वर्ड कौन से होंगे, आँख, तो आँख नहीं होता, आँख होता है, चंद बिंदु लगे यहाँ पर, ठीक है। उंगली, उंगली नहीं होता, उंगली होता है, ठीक है। ये ऊँघना, ऊंचा, कांपना, गूंजा, गूंज, छांह, झांसी, टांगना, दांत, पांख, बांज, बांध, बाह, भूखना, महंगा, मुंह, जांघ, हंस। तो आप लोग ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जिनको एक्यूरेसी की बहुत सख्त ज़रूरत है, इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसकी मांग बहुत उठ रही है कि सर एक्यूरेसी कैसे सही करें। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसको शेयर करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पर नीचे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको जैसे इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कों को आ रही थी, ये दुख वर्ड जो है इसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी लड़कों को, ठीक है। निःशुल्क वाले में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, निस्वार्थ वाले में, प्रातः काल में भी, प्रायः और मनोस्थिति तो नहीं पूछते हैं, लेकिन ये वर्ड जितने भी थे यहाँ तक, ये वर्ड में लड़कों को बहुत दिक्कत आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिक्कत करता है ऑफिस और ऑफिस। देखिए ऑफिस जो होगा वो ऑफिस नहीं होगा, ऑफिस होगा, इसमें हलंत ये जरूर लगेगा, ठीक है, ये हल्का सा ऐसे बस, ठीक है। ऑफिस होता है, ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस, बॉक्स, डॉक्टर, रॉकेट, कॉलेज। बॉस नहीं होता है, बॉस, ब्लॉक, मनी ऑर्डर। देखिए मनी ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो मनी ऑर्डर में आप ऐसे करके यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है, और डर, ठीक है, ये आप इस तरीके लिखेंगे मनी ऑर्डर। लॉ, लॉकर भी आप ऐसे ही लिखेंगे, लॉकर, ठीक है। नेक्स्ट आपको लॉकर लिखना है, फिर इसके बाद ऑफर, जॉर्ज, देखिए जॉर्ज भी आपको कैसे लिखना है, ये लिखा आपका जॉर्ज। टॉयलेट, टॉयलेट में भी देखिए ऊपर अंत लगा है। पॉकेट, पॉकेट में भी देखिए लगाओ। प्लॉट, प्लॉट, तो प्लाट लोग ऐसे लिख देते हैं सीधे प्लाट, लेकिन ये नहीं, इसके ऊपर ऐसे हो, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये होगा आपका प्लॉट, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं होता है, सॉफ्ट होता है शॉप, ठीक है, प्लाट का आप पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉकर, लॉटरी, लॉटरी में ऊपर यहाँ पर ऐसे होता है, लॉक में ऊपर ऐसे होता है, सांस में भी ऐसे होता है, शॉप में भी ऐसे होता है, और शॉर्ट में ये ओ की मात्रा नहीं होती है, ऐसे हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें वॉलीबॉल और बॉडी, बॉडी के बारे में दिया हुआ है, तो बॉडी भी ऐसे ही हो आपका होगा, देखिए बॉडी इस तरीके लिखा जाता है, वॉलीबॉल आप देख लीजिए इस तरीके लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट, पॉइंट कैसे लिखना है, तो पा और पा में ऊपर ये लगा देंगे, फिर ई, फिर यहाँ पे ना और ये टा, ना इस तरीके ना का जो होता है पॉइंट, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होता है जो स्मॉल, देखिए स्मॉल आपको लगेगा कि ऐसे लिखना है, ठीक है, लेकिन गलत है, स्मॉल में हमेशा ये होता है, स्मॉल हमेशा हल्का सा
ऊपर आवाज़ निकलती है। स्टॉल, हल्का सा आपको जहाँ पे लगेगी ऊपर चढ़ रही आवाज़ हल्की सी, वहाँ पर ये ऐसे कर देंगे, ठीक है, चंद बिंदु जिसको बोलते हैं, ये हो जाता स्टॉल। हॉकी, हॉल, हल्का सा आवाज़ ऊपर होगी। सॉस, सॉप, सॉफ्ट, अब देखिए सॉफ्ट आपको 100% आप सॉफ्ट इस तरीके लिखेंगे, जो कि पूरी तरीके गलत है। सॉफ्ट आपको लिखना है तो हमेशा सॉ इस तरीके लिखेंगे, फ और ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सॉफ्ट, हॉल आप कैसे लिखेंगे, देखिए हॉल आप लिखेंगे आप तो हॉल ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हॉल जो होता है हमेशा उसमें ऐसे लगा होता है, हॉल हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये आपके जितने भी होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। बॉस, बॉस, और जिसकी भी इसकी है स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ऑफिस, बॉक्स, डॉक्टर, रॉकेट, कॉलेज, ऑफर, जॉर्ज, टॉयलेट, पॉकेट, प्लॉट, पॉइंट, वॉलीबॉल, बॉडी, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आप देखेंगे हॉस्पिटल कैसे लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा इसी में दिक्कत करेगा आपको हॉस्पिटल। देखिए हॉस्पिटल कैसे लिखना है, तो हॉ ये ऐसे लिखेंगे, हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल भी होता है, देखिए हॉस ये हो गया आपका पा, पा में बड़ी की मात्रा हो जाएगी, और ये ट और ये ला हो जाएगा हॉस्पिटल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर हॉस्पिटल, जबकि यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है हॉस्पिटल। नेक्स्ट हॉल, ठीक है, ये हॉल हो गया, हॉकी हो गया, स्टॉल हो गया, स्मॉल हो गया, सॉफ्ट हो गया, सॉप हो गया, सांस, सांस, देखिए सांस और सांस, लाक, ये सब चीज़ें आपकी शुद्ध और अशुद्ध हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ए का उच्चारण कैसे, तो हिंदी में जो ए के स्वर होते हैं, ए के स्वर, ठीक है, वह अंग्रेजी में एयर, एजेंट, एड, ठीक है, या पेन, पैन आदि शब्दों का उच्चारण होता है, किंतु अंग्रेजी में एक्सप्रेस, एडिटर आदि ऐसे शब्द लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग